करोना वायरस लॉकडाउन संदर्भंग प्रभुत्वं निच्चिन निबंधनलनु पाटिस्तू पवित्र रंजन पंडुग जरुपुकोवालनी प्रकाशं जिल्ला पामूरु पेद्द मस्जिद आफिशब शेख करीमुल्ला तेलिपारु। आयन 19 న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ రంజాన్ 1441 హిజ్రీలో కూడా లాక్డౌన్ నిబంధనలను పాటిస్తూ రంజాన్ పండుగను జరుపుకోవాలని ముస్లిం సోదరులకు హఫ్షాబ్ షేక్ కరీముల్లా పలు సూచనలు చేశారు। అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు। జరూరీ ఎలాన్ యే హై హమారే సామనే జో హై బహుత్ బడా ముబారక్ కా మహీనా ఆనే వాలా హై। ఇస్ ముబారక్ కే మహీనే మే किस तरीके से हमें गुजारना है, हमारे सारे उलमा इकराम और हमारे खाजी साहब सब बैठकर जो है मशवरा के साथ और हमारे जो बड़े लोगों की जो हिदायत के ज़रिए से इस ऐलान की जा रहा है। ऐलान ये है, अब इस वक्त जो है लॉकडाउन है, यानी दुनिया के अंदर जो है पूरी दुनिया में एक वबाल, एक मुसीबत की बीमारी फैल चुकी है। इस वजह से और हम लोगों को कहा गया कि तुम जो है अपने घरों के अंदर फ़र्ज नमाज़ों को अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह क़ानून हमको बताया गया है उसी क़ानून के ज़रिए से हम लोग जो हैं अपने अपने घरों के अंदर, सारे मुसल्ली अपने घरों के अंदर नमाज को अदा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा एक हफ्ते में जो रमज़ान जो आने वाला है, वो रमज़ान की तरतीब भी इस तरह हमें बनाना है, क्योंकि अगर हम सब मिलकर जो है नमाज़ें पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, सहरी इफ्तारी करेंगे, जिससे क्या है वो बीमारी से हमें मुसीबत में आने वाले का अंदेशा है। इसलिए हुकूमत ने हमको इस बात को ताकीद की है, तुम लोग अपने घरों के अंदर क्या है नमाज को अदा करो। इसी तरीके से नमाज को आज तक अदा कर रहे हैं। कल जो रमज़ान जो महीना आने वाला है, ये रमज़ान के महीने में सारे मुसलमान भाई सबसे पहले और हमें क्या रोज़ा रखना है, किसी को माफ़ नहीं है, ये रोज़ा सब रखना है, ये क्योंकि ये रोज़ा फ़र्ज है, अल्लाह ताला का हुक्म है, इसको हमें अदा करें। ये कैसे अदा करें, अपने घर के अंदर सहरी करें और पांचों वक्त की नमाज अपने घरों में अदा करें और फिर जो है ईशा की नमाज के बाद हर साल जो है मस्जिदों के अंदर तरावी होती थी, इस बरस ये बीमारी होने की वजह से ये तरावी जो है अपने घरों के अंदर अदा करना है, किसी भी तरह जमात के साथ तरावी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको सख्त मना किया गया है तरावी पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, दोनों को सख्त मना किया गया है, इसलिए कि तरावी अपने घरों के अंदर और तरावी पूरा करना है। तरावी कैसे पढ़े, अगर हमको 10 सूर्य आ रहे या 20 सूर्य आ रहे तो उसको रोज़ाना वही पढ़ते रहें। अब इस वक्त जो है पूरा कुरान सुनना, पूरा कुरान सुनाना ज़रूरी नहीं है, जो भी हमको आ रहे हैं उसमें ही अदा करना है। तो इसी तरीके से अपने घरों के अंदर तरावी अदा करना, तरावी में महलों के अंदर चार घर है, पांच घर है, 10 घर है, एक 10 साथी मिलकर किसी जगह जमा होना या 10 साथी मिलकर किसी छत पर जाकर तरावी पढ़ना या 10 साथी मिलकर रमज़ान के महीने में पांच वक्त की नमाज पढ़ना, यह सख्त मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से हो भी सकता है कि किसको क्या बीमारी है, किसके अंदर क्या होता है मालूम नहीं होता, इसलिए कि अपने अपने घरों के अंदर ही और तरावी हो, फर्ज नमाजें हो अदा करना है, सहरी भी अपने घरों में करना है, इफ्तारी अपने घरों में अदा करना है, किसी छतों में और किसी जो है एक घर में जमा होकर 10-20 साथियां जमाते बनाना बिल्कुल जायज नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से और रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त में हो या इफ्तारी के वक्त में हो, इधर उधर ना घूमे, सहरी के वक्त में ना इधर घूमे ना उधर घूमे, और हमें हुकूमत के खिलाफ काम नहीं करना है। इसी तरीके से और किसी जगह जमा होकर 10 दिन में या 7 दिन में या 6 दिन में कुरान ख़त्म नबूवत नहीं करना है, ख़त्म चंद पहले जो है चंद होता था ऐसा, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जो है और ख़त्म नबूवत यानी ख़त्म कुरान क्या करते थे, इस तरह नहीं करना चाहिए, अपने अपने घरों के अंदर ही तरावी अदा करना है। और मौज़िन हो या इमाम हो, मस्जिदों में इफ्तारी के वक्त में या सहरी के वक्त में माइक के ज़रिए से ऐलान नहीं करना है,
जिस तरह हर साल भी क्या करते हैं, 3 बजे से लेकर जो है सारे लोगों को जमा जगाते हैं, उठो बहुत शहरी का वक्त हो रहा है, आप लोग यहाँ शहरी करो, इस तरह जगाया जा रहा। रात के 3 बजे उठकर जो है और जो मौजन होते हैं वो सब लोगों को उठाते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि तुम क्या हैं और इस सब तो शहरी कर लो, और उसके बाद भी आखिरी वक्त भी कहते हैं कि शहरी के वक्त ख़त्म हो चुका है, और इसी तरीके से इफ्तारी के वक्त भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हैं और लॉकडाउन होने की वजह से ये सख्त मना है, ये किसी भी जगह है और शहरी इफ्तारी का ऐलान नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको कार्ड आएगा, वो कार्ड के जरिए से आप शहरी भी करना है, वही कार्ड से आप इफ्तारी भी करना है।